हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस फॉर 30th of October 2023। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस। फर्स्ट एडिटोरियल, टाइम एंड चेन, पैनल शुड बी गिवन मोर टाइम टू स्टडी न्यू क्रिमिनल लॉ। तो ये तो आपको पता ही, जो पार्लियामेंट्री कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसको पोस्टपोन किया गया, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट दी थी उसके अडॉप्शन को पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है ना। तो जो डिलीब्रेशन थी वो शुरू की गई थी, अगस्त 24 में शुरू की गई थी और केवल 12 सिटिंग्स जो है वो इसकी हुई थी टोटल। और देयर में भी क्वेश्चन अबाउट द एडिकेसी ऑफ द स्क्रूटनी, कि स्क्रूटनी हो पाई है नहीं हो पाई, वो एडिकेट पूरा प्रॉपर स्क्रूटनी हो पाई नहीं, उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन थे, ठीक है ना। जो मेनली दूसरी चीज़ ये उसने यहाँ पे बताया कि जो हॉल पॉइंट था ये इंट्रोड्यूस करने का नए क्रिमिनल कोड्स का, वो था कि टू ब्रिंग अबाउट ए मेजर ओवरहॉल ऑफ द बॉडी ऑफ लॉ डीम्ड टू बी कॉलोनियल ओरिएंटेशन। कि आप कॉलोनियल ओरिएंटेशन के जो ये लॉज थे जो काफ़ी टाइम से इनमें कोई वो नहीं हुआ था, चेंज नहीं हुआ था, तो उसको मेनली बेसिकली उसको पूरी तरह से बदलने का जो है वो मेन पॉइंट था। तो इसके लिए क्या है, एक मीनिंगफुल स्टडी होना जो है बहुत जरूरी थी। तो वही ओथ ने बोला कि एनी मीनिंगफुल स्टडी ऑफ दीज बिल्स ऑट टू हैव इन्वॉल्व वाइड कंसल्टेशन अमंग स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री। कि आपको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। तो आइडियली ओथ ने रिकमेंड किया कि जो पैनल है इट शुड होल्ड सिटिंग्स अक्रॉस द कंट्री एंड लिसन टू लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट्स on the details of various sections besides members of the subordinate judiciary who actually work the law and procedure laid down in the courts। कि एक्चुअल में जो उस चीज़ पे काम करते हैं या जो उससे रिलेटेड है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपको डिस्कशन करना चाहिए, उनसे आपको एडवाइस लेनी चाहिए, उनके व्यू पॉइंट्स को जानना चाहिए, कंसल्टेशन करनी चाहिए, तब जाके एक तरह से आइडियल वे में तो ये होना चाहिए था, ठीक है। फिर फाइनली उसने भी बोला है कि हाउएवर देयर आर एरियाज दैट मे रिक्वायर डीपर स्क्रूटनी। ये कुछ चीज़ें तो हैं कि जिनमें आप बोल सकते हैं कि भाई उनका मोर और लेस वो सेम ही रहने वाले हैं प्रोविजन जो कि ऑलरेडी आईपीसी या सीआरपीसी में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी उनमें एरियाज हैं जिन पर डीपर स्क्रूटनी की जरूरत है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी दिए उन्होंने कि जो स्कोप है मिसयूज़ का वो एक डीपर एरिया है जहाँ पर आपको स्क्रूटनी की जरूरत है। फिर जो डिजायरेबिलिटी है इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑफेंसेज जैसे कि हेट स्पीच है वगैरह, या वेदर देयर इज फर्दर स्कोप फॉर प्रोसीजरल रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये सारे इशूज ऐसे थे जिन पे एक ज़्यादा स्क्रूटनी, एक ज़्यादा अच्छे लेवल पे स्क्रूटनी की जरूरत जो है वो थी और एनालिसिस की, ठीक है। तो फार्स ऑफ लॉ बेसिकली, ये वैसे तो पॉलिटिकल आर्टिकल ही इसको मानिए आप। तो ईडी हैज़ फेल्ड टू डेमोस्ट्रेट इट्स इम्पार्शियलिटी इन इट्स प्रोब। जो रिसेंट इसमें जो सिटिंग एमएलए थे उनके ऊपर जो ईडी के जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं फिलहाल, अभी उनके अरेस्ट किए हैं ईडी ने, तो उसके रिगार्डिंग ये था। तो यहाँ पर उसने लास्ट में एक कंक्लूजन में दो तीन चीज़ें बोली हैं कि नो वन कैन आर्ग्यू दैट एजेंसी शुड नॉट डू दियर जॉब एंड एनफोर्स द लॉ। तो ये कोई भी नहीं कहता कि एजेंसीज को जो अपना काम नहीं करना चाहिए या उनको एनफोर्स नहीं करना चाहिए लॉ में, लेकिन उसने बोला कि बोथ गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी आर अंडरमाइंड व्हेन द रूल ऑफ लॉ इज वेपनाइज अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट्स। लेकिन जब आप सिर्फ उसको एज ए वेपन यूज करते हैं किसी तरह से, चाहे गवर्नेंस हो चाहे वो डेमोक्रेसी, जब आप उसको एज ए वेपन यूज करते हैं वो भी अगेंस्ट अपोनेंट्स, तब जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। व्हेन एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल प्लेयर्स इज टेकन इन द मिड्स ऑफ एन इलेक्शन इट कुड पोटेंशियली टिल्ट द स्केल्स। क्योंकि अगर ये एक टाइम देखें इसका जो सिचुएशन है या फिर जो अभी इसकी टाइमिंग देखें ये जो हुआ है, तो ये बिल्कुल मिड ऑफ इलेक्शंस के टाइम पे आपने इसको किया है, तो जो स्केल्स है मतलब वही वोटिंग जो वोटर वो है वो टर्नआउट है उसको वो अफेक्ट कर सकता है। तो मतलब इस टाइम पे वो किसी जो स्केल्स है बैलेंस है उसको किसी भी तरफ झुका सकता है, इस मतलब उस टाइमिंग को आपने उसने बेसिकली यहाँ पे साइड किया है रीजन, ठीक। फिर देखते हैं लीड आर्टिकल है ए वॉर वेयर ह्यूमैनिटी इज ऑन द ट्रायल नाउ। तो यहाँ पे ये जो हमारी ऑथर हैं वो मिसेस सोनिया गांधी जी हैं, चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इन्होंने जो बेसिकली ये बोला है जो इसराइल और गाजा में इशू चल रहा है, इसराइल का और पैलेस्टीन के बीच गाजा वाले रीजन में, तो बेसिकली उस पर बोला है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि ह्यूमैनिटी जो है वो ट्रायल पे, क्योंकि अगर वो कल भी डाटा पॉइंट में भी डिस्कस हुआ है कि ज़्यादातर जो इसमें अफेक्ट हुए वो वुमेन और चिल्ड्रन ही हुए हैं, ठीक है ना, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो उसमें ज़्यादातर इफेक्ट हुआ है, और जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चलता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ओवरऑल तो इन्होंने ये बताया, दो चीज़ जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताएं वो ये है कि द इसराइली गवर्नमेंट इज मेकिंग अ ग्रीवस एरर इन इक्वेटिंग द एक्शंस ऑफ हमास विद द पैलेस्टीनियन पीपल्स। कि आप उनको जो एक्शन हमास का था उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल किसको ठहरा रहे हैं, पैलेस्टीनियन पीपल्स को ठहरा रहे हैं। इन इट्स डिटर्मिनेशन टू डिस्ट्रॉय हमास इट हैज़ अनलीश्ड इनडिस्क्रिमिनेट डेथ
एंड डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ गाजा। और उस अटैक का जो हमास ने एक्चुअली किया था, या हमास को डिस्ट्रॉय करने की जो उनका डिटर्मिनेशन है, उसके चक्कर में क्या हुआ है, जो लोग हैं गाजा वाले रीजन में, ऑर्डिनरी पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको एक तरह से डिस्ट्रक्शन और जो ये इंडिस्क्रिमिनेट डेथ है वो फेस करनी पड़ रही है। तो किसी का एक्शन किसी को ब्रंट फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, कांग्रेस ने अपना स्टैंड बताया है कि उनका स्टैंड यही है कि देयर कैन बी नो पीस विदाउट जस्टिस। तो पीस विल कम ओनली इफ द वर्ल्ड लेड बाय कंट्रीज दैट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड इवेंट्स कैन रीस्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द टू स्टेट विजन एंड मेक इट अ रियलिटी। कि जो डायलॉग है वही केवल वो ला सकता है, जब तक टू स्टेट वाला जो विजन है उसको रिस्टोर करने के लिए या उसको रियलिटी बनाने की बात नहीं की है, तब तक जो है पीस नहीं आ सकती है, ठीक है। फिर ये भी बोला है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज स्ट्रॉन्गली अपोज टू इंडिया जो एब्सटेंशन ऑन द रिसेंट यूनाइटेड नेशन। ये कल भी हमने बात की थी, कल परसों, कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन लिया गया था कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट ड्यूरेबल एंड सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस लीडिंग टू अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, उसमें इंडिया ने जो एब्सेंट रहा था, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था वोटिंग में, ठीक है ना। तो उसको जो है यहाँ पे जो अपोजिशन थे, हमने तब भी बताया था कि उन्होंने अपोज किया था, क्रिटिसाइज किया था, कि उसमें बेसिकली कहना चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करना चाहिए था, ठीक है ना। हालांकि जो इशू है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अक्टूबर 12 को जो 2023 में स्टेटमेंट जारी की थी कि इट इज़ टू सपोर्ट डायरेक्ट नेगोशिएशंस फॉर ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट वायबल एंड सिक्योर स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को एग्जिस्टिंग इन पीस विद इजराइल। तो इसका जो है इंडोनेशियन कांग्रेस ने भी इसी व्यू पॉइंट को बोला है कि हमारा भी इस हिसाब में तो यही व्यू पॉइंट है, ठीक है ना। फाइनली जो कंक्लूड बोला है ऑथर ने, ये बोला कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मैनी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज आर बींग होली पार्टीशन व्हेन दे शुड बी ट्राइंग देयर अटमोस्ट टू एंड द वॉर। कि वो पूरी तरह से इम्पार्शियल नहीं दिखते हैं, वो एक साइड लेते हुए दिखाई देते हैं। और द लाउडेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल वॉइसेज है दी शुड बी फॉर ए सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी। इनकी जो वॉइस होनी चाहिए वो बेसिकली ये होनी चाहिए कि आप ये जो मिलिट्री एक्टिविटीज है वो रुके, ठीक है ना, एक लॉन्ग लास्टिंग पीस जो है वो आए वहाँ पे, जो वार है वो एंड, ठीक है ना। गिव अप इम्प्रोप्राइटी डेमोन्स्ट्रेट इम्पार्शियलिटी। तो यहाँ पे जो ये एक्चुअली स्पीकर जो होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके रिगार्डिंग बोल रहे हैं। और बेसिकली कॉन्टेक्स्ट तो वही है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे ऑनरेबल, उन्होंने जो महाराष्ट्र के जो स्पीकर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको जो बोला था कि भाई आपको जो है वो डिफेक्शन वाली प्रोसीडिंग्स को फटाफट जो है उसको ख़त्म करना है और वहाँ पे डिसीजन देना है। तो यहाँ पे कुछ स्पीकर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो उसने बताई, बाकी तो सारा वही डिबेट है कि क्या उन्होंने सही किया गलत किया वो सब है। लेकिन मेनली ये है कि जो स्पीकर है ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट इन एन इम्पार्शियल मैनर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनको एज ए स्पीकर जो है वो किसी पार्टी की तरफ नहीं झुकाव होता उनका, जब वो स्पीकर अगर अपॉइंट हुए हैं तो उनको मतलब एक इम्पार्शियल रहना है और इम्पार्शियल मैनर में ही उनको काम करना चाहिए। फिर दूसरा जो स्पीकर है उसने बोला कि ट्रेडिशनल रोल तो है स्पीकर के विद रेस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या स्पीकर जो है वो और जो वहाँ के जो डेली रूटीन के काम है कि प्रेसाइड करना है सेशन को, वो सब तो करता ही है। लेकिन उसके अलावा दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी जो है वो स्पीकर करता है। क्या क्या है? सबसे पहला तो है कि स्पीकर ही ये सर्टिफाई करता है कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस बिल पे ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी हुई है ज़्यादा, ना ही राज्यसभा का जो है, उनका दोनों का लिमिटेड रोल है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है स्पीकर का वो होता है डिसाइडिंग ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। जो डिफेक्शन है उसके लिए जो 10th शेड्यूल में प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता, वो डिसाइड करने का काम भी किसका है, ये भी स्पीकर का ही काम होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर ओथ ने बोला कि स्पीकर इज द अथॉरिटी टू रेफर बिल्स इंट्रोड्यूस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। और स्पीकर ही वो अथॉरिटी है जो रेफर करता है बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। लेकिन इवन सिग्निफिकेंट बिल्स दैट रिक्वायर डिटेल्ड स्क्रूटनी आर नॉट रेफर टू सच कमेटी। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि बहुत जो सिग्निफिकेंट बिल होते हैं जिनकी डिटेल स्क्रूटनी होनी चाहिए उनको भी कई बार रेफर नहीं किया जाता है कमेटीज को, पार्लियामेंट्री या जो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी होती है उनको रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक जो फ्रेंच राइटर है जीन बैप्टिस्टे अल्फोंसे कार, उनके एक कोट को जो है यहाँ पे उन्होंने कोट किया है, उन्होंने कहा था द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम, ठीक है ना। तो ये अभी भी जो है एक तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में जो इवन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये अभी भी वैलिड रहता है, उसने बोला है। फिर उसने यहाँ पे क्योतो होलोहन का केस 1992 का जिक्र किया है, जहाँ पे आपको पता है ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड था, उसमें माइनॉरिटी जो जज थे, मतलब ये मेजोरिटी में जो पास हुआ था वो तो था ही, लेकिन माइनॉरिटी जो जजेज थे उन्होंने ये बोला था, उनका व्यू ये था कि वेस्टिंग द पावर टू डिसाइड ऑन डिफेक्शंस विद द स्पीकर वॉयलेट द बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये उनकी वर्डिंग थी इस जजमेंट में, उनके व्यू पॉइंट था। और साथ में उसने एक यहाँ सुप्रीम कोर्ट का और किशम मेघचंद्र सिंह वर्सेज द ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर 2020 के केस का भी जिक्र किया, जहाँ पे जो
वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिकमेंड किया था कि पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू वेस्ट दीज पावर्स इन एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू बी हेडेड बाई जजेस, की आप ये जो पावर है डिफेक्शन वाली या ये डिसाइड करने की डिस्क्वालिफिकेशन को, वो किसमें दीजिए, आप एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो पावर को वेस्ट कर दीजिए, उसको दे दीजिए, जो कि हेड करेगा कौन, जज हेड करेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे उतने बोले वन साइज स्पीकर ऑलवेज स्पीकर वाले कोर्ट को यहाँ पे बोला। तो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो या ब्रिटेन में जो प्रोसीजर यूज किया था उसको जिक्र किया कि ब्रिटेन में क्या होता है, स्पीकर अगर एक बार इलेक्ट हो जाता है तो वो रिजाइन कर देता है फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो बिलोंग करता था, ठीक है ना। और जब भी सब्सिक्वेंट इलेक्शन होता था टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वो जो इलेक्शन सीख करेगा ना, वो एक मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं करेगा वो इलेक्शन, वो एक स्पीकर के रूप में जो कि रीइलेक्शन सीख कर रहा है उसके रूप में जो है वो वोट्स सीक करता था। तो ये बेसिकली क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है इम्पार्शियलिटी वाइल प्रिजाइडिंग ओवर द हाउस, क्योंकि जब उसने रिजाइन कर दिया और वो एज ए कैंडिडेट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्शन नहीं वोट सीक कर रहा है, वो एज ए स्पीकर जो है सीख कर रहा है रीइलेक्शन के टाइम पे वोटिंग, तो एक तरह से वो इम्पार्शियलिटी को दर्शाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि वो चाहे मतलब अलाउ करता है स्पीकर को कि वो रिजाइन कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो स्पीकर के ऑफिस में इलेक्ट होता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी स्पीकर ने जो है ऐसा किया हो, ठीक है ना। तो उन्होंने सजेशन यहाँ पे जो दी है वो ये कि हायर जुडिशियरी को अगर देखें तो उसके पास लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ कि टू गो दस फार एंड नो फर्दर, क्योंकि जो स्पीकर है दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी और उसको कुछ प्रिविलेजेस हैं, तो उनके चलते हुए जो हायर जुडिशियरी उसको कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी जब भी वो इश्यूज डील करेगा रिलेटेड टू स्पीकर। साथ में साथ ऑथर बोले इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अडॉप्ट द प्रैक्टिसेज एज इन ब्रिटेन टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के ऑफिस को ज्यादा कॉन्फिडेंट ज्यादा इंपार्शियल बनाने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोविजन इस टाइप के प्रोविजन हम उसमें ला सकते हैं, ठीक है ना। हाउएवर इवन टिल सच टाइम इट इज इंपेरेटिव दैट स्पीकर एश्यू द इंप्रोप्राइटी इन देयर फंक्शनिंग एंड डेमोंस्ट्रेट इंपार्शियलिटी, लेकिन जब तक ये प्रोविजन नहीं आते हैं, जब तक इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं आता है या कुछ इस तरह का अरेंजमेंट नहीं बनता, तो स्पीकर्स को ये चाहिए कि वो अपनी इंप्रोप्राइटी को मेंटेन करें, अपनी फंक्शनिंग को जो है अच्छे से मेंटेन करें, वो खुद डेमोंस्ट्रेट करें कि वो इंपार्शियल हैं, वो किसी पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी की तरफ बायसनेस उनका नहीं है, ठीक है ना, ताकि स्पीकर के ऑफिस में कॉन्फिडेंस बढ़े लोगों का, ठीक है। दिस इज इट, आगे देखते हैं। एन अनफोल्डिंग इकोनॉमिक ट्रेजेडी, तो उसने बोला है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है उसने अनाउंस किया था अगस्त में लास्ट में कि जो अप्रैल जून का क्वार्टर है वो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ जो जीडीपी की रहने वाली 7.8% है, लेकिन उसने बोला कि जो फोरकास्टर्स हैं ये फोरकास्ट ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से जीडीपी सेंट्रिक फ्रेमिंग है किसकी, अलीस्ट इंडियन इकोनॉमिक सक्सेस की, ये रॉन्ग हेडेड है। रॉन्ग हेडेड क्यों बना है, क्योंकि सबसे पहले तो उसने बोला कि जीडीपी जो है एक फ्लोड मीट्रिक है नेशनल इकोनॉमिक वेलफेयर की, सबसे पहली बात। दूसरा उसने बोला कि इट हाइड्स इनइक्वालिटीज एंड डिफ्लेक्ट्स अटेंशन फ्रॉम एक्यूट जॉब स्कार्सिटी, पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ, अनलाइवेबल सिटीज, अ ब्रोकन जुडिशियल सिस्टम एंड एनवायरमेंटल डैमेज, तो कहीं ना कहीं ये जो इन सारी चीज़ों में जो इनइक्वालिटीज हैं उनसे अटेंशन हटा के ये एक तरह से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती है। तीसरा जो उसने बोला है कि जब फीवरिश कंट्रीब्यूट सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया लार्ज बट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जीडीपी हाइड द स्ट्रगल्स ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, लार्ज जीडीपी इज नॉट परचेजिंग पावर, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझते हैं तो सिर्फ लार्ज जीडीपी होना चाहिए, नहीं कि आपकी परचेजिंग पावर एक्चुअल में अच्छी है, क्योंकि लार्ज जीडीपी कुछ चुनिंदा लोग ही अगर ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा कॉरपोरेशंस या इंडस्ट्रीज ही ग्रोथ कर रही हैं, तो भी आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिख सकती है, लेकिन क्या सच में सब लोगों की जो ग्राउंड लेवल पे या जो बिल्कुल बॉटम पे उन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है नहीं बढ़ी है, उसका आइडिया इससे नहीं लगाया जा सकता, ऐसा उसने यहाँ पे बोला है। इनफैक्ट कॉन्ट्रेरी टू द हाइप जीडीपी ग्रोथ हैज स्लोड शार्पली ओवर द पास्ट टू डेकेड्स, लेकिन अगर एक्चुअल में देखें तो जो ये जो जीडीपी की ग्रोथ का बना रखा है कि बढ़ रही है बढ़ रही है, वो अगर सही से एनालिसिस की जाए तो पिछले डिकेड दो दशकों में जो है वो धीरे धीरे जो है वो हमें गिरती हुई मतलब धीरे धीरे काफ़ी तेजी के साथ जो है गिरती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे प्री कोविड और पास्ट कोविड का जो है कंपैरिजन भी किया है उसने, तो उसमें उसने बोला कि जो प्री कोविड ग्रोथ थी इट वाज मोर डायर देन द पब्लिसाइड एस्टिमेट इम्प्लाई, वो ज़्यादा उसमें थी, क्योंकि अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें तो प्री कोविड में 3.9% तक वो पहुँच गई थी पेंडेमिक के ईयर से जस्ट पहले, ठीक है ना। फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी है वो इनकम को किससे देखती है, वो
प्रोडक्शन के उससे जो है मेजर करते हैं जीडीपी को, लेकिन प्रिंसिपल में देखें तो एक्सपेंडिचर जो है इंडियन प्रोडक्ट्स का है, चाहे वो नेशनल रेजिडेंट्स हो या फॉरनर्स हो, वो इक्वल होना चाहिए इनकम के। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 12th में या 11th 12th में कि जो जीडीपी है वो तीन मेथड से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, एक प्रोडक्शन मेथड से, एक एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है ना। तो यानी कि और तीसरा एक और मेथड है, ठीक है ना, इनकम प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर, तो इन तीनों मेथड से वो सेम आनी चाहिए ना, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हैं एक्सपेंडिचर जो है वो केवल 1.9% ही प्री कोविड ईयर में ग्रो हुआ था, जबकि जो प्रोडक्शन था वो उसके हिसाब से अलग था। जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 3.9%, जबकि एक्सपेंडिचर अगर आप देखते हैं तो वो केवल 1.9% पे ही था। तो अगर इनकम और एक्सपेंडिचर को ग्रोथ अलग अलग डिफर कर रही है जैसा कि इस केस में हुआ, तो क्या करना चाहते हैं, दोनों का एवरेज निकालना चाहिए था। दोनों का एवरेज जो है एक फेयर पिक्चर जो है दिखा सकता था स्टेट ऑफ इकोनॉमी की, ना कि आपको किसी एक मेजर को दिखाना था। और आपने क्या किया, जो आपको हायर दिखी उसको आपने ले लिया, ठीक है ना। एवरेज अगर आप करते हैं वो 1.9 और 3.9, तो एवरेज आती जीडीपी वो 2.9% आती इन द पेंडेमिक ईयर, जो कि नहीं किया गया। फिर होते हैं भाई जो स्लो डाउन है फ्रॉम हेडी 9% जीडीपी ग्रोथ इन द मिड 2000, जब थी 9% और फिर 3-4% हो गई बिफोर पेंडेमिक ईयर, तो इससे आपको दिखाई देता है सीवियर वीकनेस इन द डिमांड। ये मेनली बेसिकली किस वजह से होती है, जो वीकनेस आई है डिमांड में उसको इसमें बेसिकली दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो टेल टेल हो रही है कि पोस्ट कोविड में जो डिमांड है, जो साइन दिखे पोस्ट कोविड में डिमांड वीकनेस के, इट इज़ फर्दर ड्रॉप इन द प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट टू 10% ऑफ जीडीपी इन द 2021-22। और एनालिस्ट क्या बिलीव करते हैं, इट हैज़ रिमेंड एनेमिक इन 2022-23। तो इन्वेस्टर्स जो रिकॉग्नाइज दैट व्हाइल रिच इंडियंस हेल्ड बाय एन ओवर वैल्यूड रूपी आर बाइंग लग्जरी गुड्स, द मेजोरिटी कैन बेयरली बाय एन एसेट। वही बात है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्शन ही जो है वो लग्जरी गुड्स खरीद रहे थे जिससे डिमांड ऊपर जा रही है, लेकिन जो मेजोरिटी है, जो नीचे वाले तबका है, बॉटम वाले, वो तो नेसेसिटीज भी वो बड़ी मुश्किलों से जो है वो खरीद पा रहे हैं, तो मतलब उनकी डिमांड मुश्किल से ही पूरी हो पा रही है। तो ये यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं उसने, जैसे कि उसने बोला है कि अगर आप जो बॉटम वाले हैं उनके अगर आप परचेजिंग देखें तो वो हार्डली जो है वो खरीद पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। इवन स्मॉलर क्वांटिटीज में खरीदते हुए दिखाई देते हैं कि एक तो उसने यहाँ पे देखा कि आप देखेंगे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि उनके प्राइसेस भी घटा रहे हैं, जैसे कि जो पैकेज आइटम जैसे नूडल्स है, टूथपेस्ट है, सोप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बिस्किट्स है, इन सब के प्राइस तो घटा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा उनकी पैकेजिंग छोटी होती जा रही है, उनकी क्वांटिटी छोटी करते चले जा रहे हैं। तो जैसे पहले 5 रुपये के बिस्किट के पैकेट में ज़्यादा बिस्किट आते थे, अब 5 रुपये का ही बिस्किट तो, लेकिन उसमें बिस्किटों की संख्या और उनका बिस्किट का साइज जो है वो घटा दिया गया, मतलब क्वांटिटी में कट कर दिया गया है, एक तरीका यह है। दूसरा उसने बताया कि अगर 2022 में देखे तो गवर्नमेंट ने एक ईयर लॉन्ग फ्री ग्रेन प्रोग्राम चलाया था 3/5 पॉपुलेशन के लिए। फिर एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो है ये 2024 के जनरल इलेक्शन तक जो है वो चलना चाहिए, लेकिन टू मेंटेन कंजम्पशन हाउसहोल्ड्स हैव स्लैश देयर सेविंग्स रेट टू 5.1% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 11.9% इन 2019। लेकिन इसके लिए क्या है, कंजम्पशन को मेंटेन करने के लिए हाउसहोल्ड को जो सेविंग रेट है वो घटाना पड़ा, 11.9% था जो 2019-20 में, वो कट के कहाँ पहुँच गया सेविंग रेट 5.1% को उनको करने पड़ा, मतलब मेनली उन्हें अपनी सेविंग से कट करने के लिए मेंटेन करना पड़ा अपना कंजम्पशन। फिर वहीं पे तीसरा चौथा एग्जांपल दिया होता है कि जो क्रेडिट कार्ड्स अगर आप देखें, जो भी एलिजिबल हैं क्रेडिट कार्ड्स वाले, उनके आप देखें कि उन पे वरिंग लेवल ऑफ डेब्ट जो है वो चढ़ा हुआ है, उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट काफ़ी ऊपर पहुंच गई है, मतलब डेब्ट उन पे काफ़ी हो गया है, पेमेंट नहीं कर पाए हैं। फिर एक एग्जांपल और दिया है उसने कि जो ओवर वैल्यू हुई है रुपी की और वर्ल्ड ट्रेड अगर आप देखें तो इट बेयरली क्रॉलिंग अहेड, इंडियन एक्सपोर्ट्स हैव बीन फॉलिंग। और अगर आप देखें तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपको घटते हुए ही नजर आएंगे, ठीक है। नीड टू बोस्टर डिमांड, तो इन द ग्लो ऑफ ए फेक हाई ग्रोथ बोला है इसको स्टोरी को उसने, यहाँ पे जो उसने बोला है कि ये फेक हाई ग्रोथ स्टोरी जो दिखाई जा रही है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी है ट्राई टू रेव अप सप्लाई रादर देन बोस्टर डिमांड थ्रू गुड जॉब्स, मोर ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड फंक्शनल सिटीज। तो गवर्नमेंट जो है उसने यही देखें कि सप्लाई को बढ़ाने पर जोर दे रही है, ना कि डिमांड को बढ़ाने के लिए बात करें, ना अगर आप ज़्यादा जॉब्स बनाएंगे, ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा फंक्शनल सिटीज बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी मेजर्स हैं वो सप्लाई को सप्लाई साइड से रेवेन्यू को अप करने में लगे हुए हैं, ना कि डिमांड पे बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। तो उतने ये भी बोला है सोबर एनालिसिस ऑफ जीडीपी ग्रोथ जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोविड पॉइंट्स टू अ मीडियम टर्म एनुअल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ 3.5%। अगर आप मीडियम टर्म में एनुअल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो केवल 3-4% ही दिखाई देती है ड्यूरिंग द
बिफोर एंड आफ्टर कोविड अगर हम कंपेयर करते हैं तो, ठीक है ना। डाटा पॉइंट में आज फिर इसराइल वाला ही डाटा है, इसराइल कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ गाजा। तो ये तीसरी और लास्ट सीरीज है इस डाटा पॉइंट की, तो ये थर्ड और कंक्लूडिंग पार्ट है सीरीज का इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट वाले में, जिसमें हम एक्सप्लोर किया था हाउ इसराइल कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। और ये जो फोकस है बेली ओनली ऑन इसराइल कंट्रोल ऑफ एग्जिट्स एंड एंट्री पॉइंट, और इस वाले तीसरी सीरीज में जो है कि इसराइल का क्या कंट्रोल है एग्जिट्स और एंट्री पॉइंट पे वो दिखाएगा, क्योंकि एग्जिट और एंट्री पॉइंट डिटरमाइन करते हैं क्या ट्रेड को भी और मूवमेंट की भी, पीपल की मूवमेंट को और ट्रेड की मूवमेंट को भी दिखाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए या बाकी जरूरत के लिए लोग मूव कर रहे हैं तो उससे जो है इकोनॉमी भी डिसाइड होती है, ट्रेड डिसाइड होता है। एंट्रीज एंड एग्जिट्स एयर और सी थे तो बैन ही है, ये ध्यान रखना आपको। तो ओनली तीन क्रॉसिंग जो है खोली हुई है, दो जिसमें से इसराइल कंट्रोल करता है और एक जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल में है, ठीक है ना। और यही तीन सिर्फ अवेलेबल पॉइंट है मूवमेंट के लिए आउट ऑफ गाजा, इन और आउट अगर आप करना है गाजा रीजन से तो यही तीन पॉइंट है। तो यहाँ पे डाटा में उतना बताया कि वन इन फाइव पीपल, हर पांच में से एक आदमी जो है वर अलाउड टू एग्जिट वंस इन 2022, सिर्फ एक बार ही उसको अलाउ किया 2002 से अगर हम देखें, 2022 में अगर हम देखें। मोर देन 400,000 एग्जिट परमिट्स इशूड इन 2022, इट इज़ द हाईएस्ट इन अबाउट टू डिकेड्स, पिछले दो दशकों में 20 सालों में 400,000 परमिट जो 2022 में इशू किए गए थे वो हाईएस्ट अभी तक का। प्रीवियस हाई जो था वो 5.21 लाख था, जो कि 2004 में रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इसका कंपैरिजन हम 2000 में देखें तो 60,00,000 जो है वो एग्जिट्स परमिट किए गए थे इन 2000, ठीक है ना। फिर 2008 में अगर देखें तो ओनली 0.26 लाख परमिट्स वर इशूड, जे लोएस्ट एवर है। तो हाईएस्ट एवर तो हमने बता दिया 5.1 लाख था 2004 में, 4 लाख था 2022 में, 60,00,000 था 2000 में, और अगर 2008 में देखें तो केवल 0.26 लाख परमिट जो है वो इशू किए थे 2008 में। 2006 जब आपको पता हो हमास ने जो पैलेस्टीन पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे वो जीते थे एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग गाजा, तो इसराइल ने स्टॉप कर दिया था मोस्ट वर्कर्स फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री, बहुत सारे लोगों को स्टॉप कर दिया था कि वो कंट्री में इसराइल में एंटर नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है अगर एंटर नहीं कराओगे तो लैक ऑफ परमिट रहेगा, तो गाजा का जो लेबर फोर्स है वो भी पार्टिसिपेशन रेट उसका कम हो जाएगा, जो कि हम पिछले ही हमने डाटा पॉइंट में पढ़ा था पिछले में, उस साल जो अगर हम देखें तो वो लगभग 35% तक जो है 2021 में जो है वो पार्टिसिपेशन रेट फेल हो गया था, जो लोएस्ट है इन द वर्ल्ड, वन अमंग द लोएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले डाटा पॉइंट में। नॉट जस्ट वर्कर्स, सिर्फ वर्कर्स ही नहीं, जैसे पेशेंट थे गाजा से उनकी भी एंट्री को जो है काफ़ी कंट्रोल किया, उनको भी काफ़ी बार डिले किया गया है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे, इशू नहीं हो पाए परमिट। 2022 में अगर देखें तो ओनली 2 out of every 3 एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर रेफरल पेशेंट टू एग्जिट गाजा वर अप्रूव्ड बाय द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। केवल दो, हर तीन में से दो एप्लीकेशन ही सिर्फ अप्रूव हो पाई हैं जो पेशेंट्स वाली एप्लीकेशन थी। 2022 में देखें तो ओवर 74,000 ट्रक लोड्स ऑफ गुड्स वर अलाउड इन टू गाजा बाय इसराइल, लोएस्ट सिंस 2014। तो केवल 74,000 ट्रक लोड्स गुड्स के जो है वो अलाउ किए गए थे 2022 में, और ये लोएस्ट है ऑन रिकॉर्ड सिंस 2014। गुड्स टू गाजा फ्रॉम इसराइल अगर बात करें, ये भी रिड्यूस हुआ है लोएस्ट लेवल्स पे, ये भी चले गए इमीडिएटली आफ्टर द इजरायल ब्रोकन 2007 में जो इजरायल ब्रेकड हुआ उसके बाद ये भी लोएस्ट लेवल पे चले गए जो गुड्स आते हैं गाजा से, गाजा में इसराइल से, ठीक है ना। गाजा की इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो इसराइल पे है ही, वो पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए और कुकिंग गैस वगैरह के लिए हाई है बिफोर 2018, लेकिन इसराइल क्योंकि स्केल डाउन कर रहा है फ्यूल और गैस को तो ये जगह किसने ले ली है, इजिप्ट ने जो है ये जगह ले ली है। एक्सपोर्ट जो है वो हैवीली रेस्ट्रिक्टेड हैं, 2009 में अगर देखें तो एज लो एज 24 ट्रक लोड्स कंपेयर टू 5834 इन 2022, कंपेरिजन देख सकते हैं आप 2022 में केवल 5834 ट्रक लोड 2009 में, ये केवल 24 ट्रक लोड ही थे जो कि 22 में देखोगे वो 5834 तक है। तो ये भी है कि गुड्स को भी जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है। आगे देखते हैं इंडियन रेलवे रेवेन्यू प्रॉब्लम, तो इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन रेलवे में ये बूस्ट किया है इसने मैन्युफैक्चरिंग को और सर्विसेज को भी एज वेल एज टैक्स रेवेन्यू को भी गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो एक की ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रेलवे है, इट कैन नॉट बी अलाउड टू गो द एयर इंडिया वे, द इन्वेस्टमेंट मेड शुड ऐड टू इट्स रेवेन्यू, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है रेलवे में वो उसके रेवेन्यू को भी ऐड करना चाहिए, रेलवे की रेवेन्यू बढ़नी चाहिए, है ना। तो जो इंडियन रेलवे है इट हैज़ बीन ऑन ए स्पेंडिंग स्प्री विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर,
पर्टिकुलरली आफ्टर द गवर्नमेंट मर्ज इट्स रेल बजट विद मेन बजट। जब से मेन बजट के साथ रेल बजट को मर्ज किया गया है तब से देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है और रेलवे का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उससे रेवेन्यू जनरेट इतना नहीं हो रहा है। बेसिकली यही आर्टिकल है। कैग की रिपोर्ट जो हुई थी जो पार्लियामेंट में अगस्त 8, 2023 को आई थी, उसमें ये बताया गया था देयर वाज अ लॉस ऑफ 68,269 करोड़ इन ऑल क्लासेज ऑफ पैसेंजर सर्विसेज ड्यूरिंग 2021-22 विद ऑल द प्रॉफिट फ्रॉम फ्रेट ट्रैफिक नलीफाइड इन क्रॉस सब्सिडाइजिंग पैसेंजर सर्विसेज। जितना भी फ्रेट और उससे फ्रेट और ट्रैफिक फ्रेट वाले ट्रैफिक से जो लॉस हो रहा था वो सारा का सारा नलीफाई हो गया कहाँ पे, जो पैसेंजर्स को सब्सिडीज वगैरह सर्विसेज दी जाती है सब्सिडाइज रेट पे उसको वो करने में, और जो ये लॉस जो डिक्लेयर किया था वो सारा का सारा पैसेंजर सर्विसेज की वजह से ये लॉस दिखा था। 68,269 करोड़ रुपये का ये लॉस दिखाया था। जो ऑब्जेक्टिव है ये 3 पार्ट की जो सीरीज है ये रहेगा कि एग्जामिन करना हाउ द फ्रेट बिजनेस ऑफ आई आर कैन बी इम्प्रूव, कि फ्रेट बिजनेस जो है वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जो इंडियन रेलवे का फ्रेट सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो पैसेंजर सेगमेंट है वो काफ़ी ह्यूज लॉस में है, ये तो हमने बता दिया। उसको कहीं ना कहीं उसको सब्सिडाइज के लिए वो उसको लॉस को जो है वो नलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। व्हाट हैज कॉज द रिसेंट थो इन यूएस वेनेजुएला टाइज, तो जो ऑनगोइंग वार था रशिया और यूक्रेन में, इट प्ले इन द रिलीफ ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट द लैटिन अमेरिकन कंट्री, और वाई मकादर टू डिस्क्वालिफाई फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन है इट हैज अग्रीड टू ईयर्स लॉन्ग ब्रूटल सैंक्शन अगेंस्ट द कंट्रीज ऑयल गैस एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज इन एक्सचेंज फॉर प्रेजेंट निकोलस मदुरो कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन वेनेजुएला इन 2014। 2024 में निकोलस मदुरो ने ये बोला कि अगर आप निकोलस मदुरो को ये बोला कि अगर आप फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे 2024 में तो जो है ये सैंक्शन जो है वो हटा दिए जाएंगे। तो विद इन वीक्स ऑफ फरवरी 2022 इन्वेजन जो ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन है इट डिस्पैच टॉप ऑफिशियल टू नेगोशिएट द कैरेकस, ये कैपिटल है वहाँ का, द कंट्री विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स सो एज टू स्मूथ द इफेक्ट्स ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इशूइंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। और जो मरिया कोरिना मचाडो थे ही हैज वोन अ ह्यूज विक्ट्री इन द अक्टूबर 2022 वेनेजुएलन अपोजिशन प्राइमरी, तो उसमें उनको विक्ट्री मिली थी। तो यही है कि हालांकि इसमें वे जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा लिया गया है, तो इट वुड देयरफॉर बी प्रीमैच्योर एट दिस स्टेज टू प्रेज्यूम दैट प्रेसिडेंट मदुरो हु हैज बीन इन ऑफिस सिंस 2013 वुड वांट टू रिस्क अ कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट नेक्स्ट ईयर। हालांकि इसके चांसेस कम है, इसीलिए जो ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सिग्नल भी किया है कि अगर क्वांटम ऑफ सैंक्शंस रिलीफ वुड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस द गवर्नमेंट कैन कवर टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस, जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस की तरफ आप डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ज़्यादा सैंक्शंस उस हिसाब से जो है रिलीफ मिलेगी सैंक्शंस में, मतलब उससे उसको लिंक कर दिया, ज़्यादा जब डेमोक्रेटिक तरीके फेयर एंड इलेक्शंस रहेंगे तो उतना ज़्यादा सैंक्शंस में रिलीफ मिलेगी। आगे देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशंस गोल्स से स्टडी, तो ये एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW, इसने बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं जो रेस्पॉन्सिबल है 3/4 ऑफ एग्जिस्टिंग कार्बन एमिशंस, ठीक है ना, विल एंड अप एमिटिंग 38% मोर कार्बन इन 2030 देन दे हैव कमिटेड। दोनों ने कमिटमेंट किया है 2030 का अपने NDCs में नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में, उसमें उसके हिसाब से 38% ज़्यादा कार्बन वो एमिट करने वाली हैं जो ये डेवलप्ड कंट्री हैं, जो कि 3/4 कार्बन एमिशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूएस ने जो है 2030 के NDC टारगेट उसका 50% है, लेकिन वो प्रोजेक्टेड जो है वो 22% ही है कहीं, रशिया 70% प्रोजेक्टेड जो 48 आ रहा है, जापान देखें 46-45%, यूके एंड नॉर्दर्न आयरलैंड 68% है, जबकि 56% ही वो अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया ने कल इंग्लैंड को हरा दिया। साइंस में एक आया है, वाज तुर्की अर्थक्वेक ड्यू टू इंटरप्टेड चैट बिटवीन फॉल्ट लाइंस। तो यहाँ पे बेसिकली दो मॉडल बताए गए हैं, एक स्लिप इन वर्जन और एक फॉल्ट प्रॉपर्टी मॉडलिंग, और ये फाइंड आउट करने के लिए तो तुर्की सीरिया में जो अर्थक्वेक आए हैं कुड बी ट्रेस टू सीजमिक कैस्केड ओवर द ईस्ट एंड द नॉर्थ एनातोलियन फॉल्ट लाइंस एंड दैट दीज लाइंस हैड बीन इन कॉन्स्टेंट डायलॉग थ्रू द एक्सचेंज ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो अर्थ की क्रस्ट है इट कंसिस्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये हम सभी को पता है, और फोल्ट लाइंस बन जाती हैं वेयर दीज प्लेट्स इंटरेक्ट एज दे कोलाइड पुल अपार्ट और स्लाइड पास्ट ईच अदर। अगर मान लीजिए प्लेट है दो, अगर ये एक दूसरे के स्लाइड करेंगी तो भी वहाँ पे फोल्ट लाइन बनेंगी, अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो भी फोल्ट लाइन बनेंगी, और एक दूसरे में कोलाइड होंगी तो भी फोल्ट लाइंस डेवलप हो जाती हैं। व्हेन दीज प्लेट्स एब्रप्टली ग्राइंड एंड स्लिप पास्ट ईच अदर दे रिलीज पेंट अप प्रेशर लीडिंग टू अर्थक्वेक्स। और इनमें जब ये एक दूसरे से स्लाइड करती हैं, एक दूसरे से स्लाइड होकर कोलाइड करती हैं, तब जो उनके बीच में एनर्जी फंसी हुई है जो प्रेशर है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है अर्थक्वेक डेवलप होता है। तो ये आपको याद रखना है।
फिर जहाँ पे प्लेट्स का बात किए, फॉल्ट की बात किए, जो नर्ली फॉल्ट है और जो कार्डेक्स सुरगु फॉल्ट जोन है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ तुर्की टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट रफली पैरेलल टू द बॉर्डर विद आर्मेनिया। ये मैप बेस्ड है, लोकेशन आपको ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। दे बोथ एक्सपीरियंस सेपरेट अर्थक्वेक, दोनों में अलग अलग अर्थक्वेक जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जो ग्राउंड नियर द कोस्ट था सम 200 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट बिगेन टू मूव लाइक अ लिक्विड, बिल्कुल लिक्विड की तरह वो ग्राउंड जो है वो मूव करने लगा। रिसर्चर्स दो मेथड बेसिकली यूज करते हैं, एक है काइनेमेटिक स्लिप इन्वर्जन थ्योरी और दूसरा है फोल्ड प्रॉपर्टी मॉडलिंग। जो काइनेमेटिक स्लिप इन्वर्जन है, इट इज लाइक रीवाइंडिंग एन अर्थक्वेक वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ फोल्ड सर्फेस इज मूव्ड। एक तरह से आपने वीडियो देखी उसको रिवाइंड करें तो आपको समझ आता है कि किस तरीके से वो अर्थक्वेक जो है, जो फोल्ड सर्फेस है उसकी मूवमेंट कैसे हुई थी। तो ये मेथड जो है इसको बोलते हैं काइनेमेटिक स्लिप इन्वर्जन। दूसरा जो मेथड है वो है फोल्ड प्रॉपर्टी मॉडलिंग। इसमें क्या करते हैं, रिसर्चर्स एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोल्ड लाइक फ्रिक्शन, मटेरियल प्रॉपर्टीज टू प्रेडिक्ट हाउ एन अर्थक्वेक इज लाइकली टू स्प्रेड अग्नोइड, किस तरीके से जो अर्थक्वेक है वो स्प्रेड होने वाला है उसको जानने के लिए उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं फोल्ड के वो पढ़े जाते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन है, मेटीरियल प्रॉपर्टी है, उन सब पे जो है स्टडी की जाती है और तब वो बताया जाता है। जो लेसन्स हैं तुर्की में जो अर्थक्वेक्स आए हैं, दीज हैव फार रीचिंग इंप्लीकेशंस, दे वर रिविलेशंस ऑफ द प्लैनेट्स इनर वर्किंग्स अंडर स्कोरिंग द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द सीजिंग इवेंट्स। तो इस चीज में इनका जो है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में ये हेल्प करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के ऊपर भी आज बात हुई है, तो सबसे पहले आपको बता दें हेनरी कैवेंडिश थे जिन्होंने 1797 में पहला थोड़ा एक्यूरेट डिटरमिनेशन डिटरमाइन किया था इसको, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को। दोनों ही आइजैक न्यूटन का जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो और जो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है जनरल रिलेटिव, उन दोनों में ही एसेंशियल कंपोनेंट है ये जी। जी कहते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसको जानते होंगे आप, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं अभी तक पता है। हालांकि आइंस्टाइन की जो थ्योरी जनरल रिलेटिव है वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा जो है मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है ग्रेविटेशन का इन कंपेयर टू आइजैक न्यूटन थ्योरी, पर्टिकुलरली इन एक्सट्रीम कंडीशन सच एज नियर मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जो प्रेसाइज वैल्यू है जी की वो क्रूशियल है टू अंडरस्टैंडिंग सेलेस्टियल मैकेनिक्स एंड टू डिटरमाइन द मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, लेकिन अभी भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो अभी भी नहीं बताई गई है और अनसर्टेनिटी अभी भी लगभग 22 पार्ट्स पर मिलियन की अभी भी जो है अनसर्टेनिटी इसमें है। तो इसकी प्रिसाइज डिटरमिनेशन हो पाएगी तो और सारे जो ऑनगोइंग रिसर्च है वो हो पाएगी और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल इसका होगा। ठीक है, तो दिस इज इट, होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच बढ़ेगी, लोग हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट को लेके आएंगे। तो थैंक यू।